कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता। कल अमेठी में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को हराने के बाद यही ट्वीट किया था बीजेपी की उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने। अमेठी में स्मृति ईरानी की 5 साल की मेहनत रंग लाई। उन्होंने राहुल गांधी को 55,000 वोटों से हरा दिया, लेकिन स्मृति ईरानी ने अपनी जीत का पूरा क्रेडिट पीएम मोदी को दिया, उनके काम को दिया। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह की रणनीति और बीजेपी कार्यकर्ताओं की दिन रात की मेहनत को भी दिया। मैं आभार व्यक्त करती हूँ आज नरेंद्र भाई मोदी को कि उन्होंने सतत 5 साल अमेठी को 2014 में जो विश्वास दिलाया था कि वो बदलाव की भावना से यहाँ पर आए हैं, उनके नेतृत्व में 2,80,000 परिवारों को टॉयलेट्स मिले, 1.5 लाख उज्ज्वला परिवार आज अमेठी में हैं, कई गरीबों को जीवन में पहली बार सर पर छत मिली, कई गांव पुरवा ऐसे हैं जहां पे पहली बार बिजली गई, और उससे प्रभावित होकर और विशेष नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में योगी जी ने जो काम किया, इन दोनों के समन्वय से आज कमल का फूल अमेठी में खिल पाया है। इसलिए मैं अपनी ओर से आभार मैं अनुग्रहित हूँ मेरे संगठन के प्रति, और मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी अपने नेतृत्व के प्रति। सपा बसपा का जो गठबंधन है जी, पूरे यूपी में रहा हमेशा से, कांग्रेस को यहाँ पे वॉकओवर मिलता था, कांग्रेस से भी सपा बसपा कांग्रेस और तीनों का ही यहाँ पे जो गठबंधन रहता है, कितनी बड़ी चुनौती मानती थी इसको? मैं इतना कहूंगी कि आज अमेठी में तो सीधे कांटे की टक्कर की लड़ाई हुई, सीधा कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। एक तरफ एक परिवार था, दूसरी तरफ एक संगठन था जो परिवार की तरह काम करता है। तो आज अगर श्रेय देना है तो मैं बस इतना ही कहूंगी कि हमारे संगठन को और स्वयंसेवकों को श्रेय देना चाहिए। और अगर आज की जीत मैं किसी को समर्पित कर पाऊं तो वो कार्यकर्ता जो मौत के घाट उतारे गए केरल में और बंगाल में, ये उनको और उनके परिवारों के प्रति इसको मैं समर्पित करना चाहूंगी। राहुल गांधी जी ने काफी पहले अपनी हार स्वीकार कर ली थी, और आपसे ये उन्होंने आपको बधाई दी और कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ की जनता को स्नेह और प्यार से रखेंगे, उनका ध्यान रखेंगे। मुझे खुशी है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर और भाजपा के संगठन पर राहुल गांधी जी ने इतना विश्वास व्यक्त किया कि वो आश्वस्त हैं कि हम अमेठी की देखभाल करेंगे। यही विश्वास अमेठी ने भी आज अपने वोट के माध्यम से दिया। मैं अमेठी की जनता के प्रति अपना आभार व्यक्त करती हूँ। 5 साल हारने के बाद रही, अब जीतने के बाद 5 साल उनकी सेवा करूंगी, ऐसा आश्वासन भी दिया, और वो जानते हैं कि एक बार जबान दी तो जबान रखूंगी। लंबे समय से आपका कैंपेन देखा है, लगातार बड़े बड़े नेताओं ने आप पे निजी हमले किए। सिद्धू जी ने एक बात कही थी कि अगर स्मृति जी जीतती हैं, राहुल जी हारते हैं, तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे, उनके लिए क्या कहेंगे? मैं बस इतना ही कहूंगी भैया कि एक बार व्यक्ति जब जीत जाता है तो उसे अपने संस्कार का परिचय देना चाहिए, जितना संभव हो उतना शालीनता का प्रदर्शन करना चाहिए, और जितना संभव हो उतना ह्यूमिलिटी से बात करनी चाहिए। तो मेरा बस आग्रह आपको कि आज जो है जीत का सहरा मेरे संगठन के सर पर है और मेरे स्वयंसेवकों भाई और बहनों के सर पर है, इसलिए मैं अपने आप को उसी तक सीमित रखूंगी। एक छोटा सा ब्रेक और ले रहे हैं, फॉरन लौटेंगे।